बुलेटिन में शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी से। आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार कर लीजिए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बस आप तक पहुंचने ही वाली है। और जब आप वैक्सीन के लिए अप्लाई करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने आप तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इन गाइडलाइन से समझिए कि आप कोरोना वैक्सीन के कितने करीब हैं। 113 पन्ने की गाइडलाइन में वैक्सीन देने के लिए देश भर में बूथ बनाने को कहा गया है। हर बूथ पर 5 लोगों की एक टीम मौजूद रहेगी जो 4 स्तरों पर काम करेगी। पहले ग्रुप में डॉक्टर्स और नर्सेज होंगी जो लोगों को वैक्सीन देंगे। दूसरे ग्रुप में पुलिस, होमगार्ड और NCC जैसे सिक्योरिटी वॉलंटियर्स होंगे। तीसरे ग्रुप में दस्तावेजों की जांच करने वाले लोग शामिल होंगे और चौथा ग्रुप जो होगा वो हर बूथ पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए होगा। खास बात यह है कि इन बूथों पर वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगी जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया होगा। किसी का भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कोविन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। हर बूथ पर केवल 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीका देने के बाद तुरंत आपको घर वापस लौटने की इजाजत नहीं होगी। 30 मिनट तक आपके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी और अगर आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर नहीं पड़ता है तो आपको घर जाने की इजाजत होगी। पहले चरण में लगभग 30 करोड़ आबादी का टीकाकरण किए जाने की योजना है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज समेत 12 फोटो पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। गाइडलाइन में इस बात का भी प्रावधान कर दिया गया है कि पहले किन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और किस प्राथमिकता सूची को कोरोना वैक्सीन लगाने वाली टीम ध्यान में रखेगी। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और 50 साल के अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण पहले होगा। इसके बाद गंभीर रूप से बीमार, 50 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। जबकि कोरोना महामारी की स्थिति और टीके की उपलब्धता के आधार पर अंत में बाकी आबादी का टीकाकरण हो सकेगा। गाइडलाइन के मुताबिक जिस वक्त वैक्सीन दी जाएगी उसी वक्त वैक्सीन की शीशी खोली जाएगी और तुरंत टीका दे दिया जाएगा। वैक्सीन का सत्र खत्म होने के बाद उसे कोल्ड चेन स्थान पर वापस भेजा जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।